Hi guys, welcome. For the very first time I'm doing a video like this. So in today's video I'm gonna tell you how I achieved this look and this hair. So yeah, if you're interested then keep on watching. So guys, I'm gonna prep up my skin. सबसे पहले मैं moisturizer use करूँगी. आपके पास जो भी moisturizer हो आप उसको यूज़ कर लीजिए. मेकअप में सबसे मेन होता है स्किन प्रेप करना. कभी बिना मॉइस्चराइज़र बिना सीरम के आपको फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई नहीं करना है. अगर आप ज़्यादा ड्राई स्किन टाइप हैं तो सीरम भी यूज़ कर सकते हैं. सीरम मॉइस्चराइज़र दोनों यूज़ कर सकते हैं. आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी. उसके बाद मैं प्राइमर लगा दूँगी. हमें एकदम से नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है सो दैट जो प्रोडक्ट लगाया है वो हमारे स्किन में जाए. नेवर फॉरगेट योर अंडर आईज एंड योर नेक आल्सो. नाउ आई एम गोना यूज फेस प्राइमर जस्ट अ लिटिल. एकदम से प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है. वैसे ये मिस्टेक नहीं करनी है. स्किन प्रेप हो गई है. आज के इस लुक में मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी. फाउंडेशन मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस के लिए बनी नहीं है. आई डोंट यूज़ फाउंडेशन दैट मच. आई एम गोना यूज़ माई कंसीलर. लेस इज मोर. हमेशा अपने फेस पे कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें. I'm gonna hide all the spots. A little bit on my forehead, a very little. I'm gonna leave this for 30 seconds and then I'm gonna blend it. I'm gonna start blending. ये जो हमारा लुक होगा ये बिल्कुल नेचुरल लुक होगा जो आप डेली में भी कर सकते हो. आई थिंक इट्स डन. हमने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है. इसके बाद अब हम इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे. आई एम गोना कॉन्टोर माय फेस. गाइस आपको कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्टोर अलग से लेने की, ब्राउनर अलग से लेने की. आपको बस आई शेडो होना चाहिए. मैं अपना ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, ये वाला. सेम ब्रश आप चेंज कर सकते हैं. मैं बहुत हल्का हल्का करेंगे. मैं ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ. इसी में से ही मैं ये वाला शेप ले लूँगी और इसी को एक ब्रश की तरह यूज़ कर बहुत हल्का सा लेंगे. बहुत हल्का सा यहाँ पे प्लेस कर देंगे. मैं अपना ब्रश पूरा यहाँ तक लेके जाती हूँ और उसको ब्लेंड कर देती हूँ. इसी ब्रश को मैं नाक पे भी लगाऊँगी. बड़ा अच्छा सा लुक आता है. तो मैं यूजुअली अपने आईब्रोज फिल नहीं करती हूँ ज़्यादा, मुझे ज़रूरत नहीं लगती. बट इन में आई एम गोना फिल. डेली बेसिस पे तो मैं नहीं करती हूँ. मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई थी. हाइलाइटर अगर आप मेकअप रात के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा हाइलाइटर ज़्यादा लगा सकते हैं. बट डे में ज़्यादा हाइलाइटर मुझे पसंद नहीं है तो मैं बहुत हल्का सा लूँगी. बहुत हल्का सा जस्ट फॉर द ग्लो. ज़्यादा हाइलाइटर मैं नहीं लगाती हूँ. दैट्स इट. नाउ इट्स टर्न फॉर द आई शेडो. मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ. सो आई एम गोना यूज माय रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट.
Shout out to my sister who gifted me this on my birthday. Thank you. Okay, so हम natural look ही करेंगे. मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ बड़ा करने का. मतलब हम लोग natural look ही करेंगे. So first I'm gonna use the brown shade. Any brown in your palette. Any brown. So just say. आई शेडो को भी हम जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा और नेचुरल लगेगा. गाइस वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस. पूरे प्रोसेस में भी हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है. एकदम थोड़ी सी लिटर लगा लिया जितनी भी नहीं है. वैसे तो आई लव ग्लिटर लगा देती हूँ. जो अब आने वाला है वो सबसे टफ पार्ट है मेरे लिए, वो है आईलाइनर. लेट्स गिव अ बेस्ट शॉट. आई होप आई लव वेयरिंग आईलाइनर्स बट इट स्केयर्स मी अ लॉट क्योंकि कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है. लेट्स सी आज कैसा लगता है. So I'm just gonna draw a मुझे अच्छा लग रहा है. अभी एक ही आँख पे लगा है, देखते हैं दूसरी पे लगता है. यू कैन सी द डिफरेंस विद द आईज. ये बड़ी लग रही है. I'm gonna now curl my lashes. ये यूज करना मैंडेटरी नहीं होता है हर किसी के लिए बट इसको अच्छा लगता है वो करता है. मुझे अभी मैंने डिस्कवर किया है रिसेंटली तो मुझे तो अच्छा लगा. आके आती हूँ. मस्कारा इज डन. नाउ आई एम गोना लिप लाइन माय लिप्स. सो आई एम गोना यूज दिस डार्क लिप शेड. आप कोई भी लिप शेड यूज कर सकते हो. अगर आप अपने लिप्स को ओवरलाइन करना चाहते हो आपको अच्छा लगता है तो हमेशा बीच में से ओवरलाइन करना, साइड से मत करना. Now I'm gonna do my hair. Hair में curl करूँगी अपने straightener से. तो I'm gonna show you how I curl my hair with the straightener. So guys, location change हो गई है. अब हम hair do करें. This is how
my hair are looking. So this is how the whole look turned out, and I'm in love. So now my curls are looking. I hope you enjoy this video. Thank you for watching. Bye.